स्वागत है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चाय की हमारे कड़पा डिस्ट्रिक्ट है, कड़पा डिस्ट्रिक्ट से एक 60 किलोमीटर की दूर में चाय की बंडा गाँव है, और चाय की बंडा गाँव में थोड़ा 1 किलोमीटर की दूर बलजेपल्ली है, और बलजेपल्ली में हमको सूचना मिली कि ऐसा सांप आ हुआ है, और सांप हम रिस्क्यू किए हैं और वो सांप को पकड़ के लाए हुए हैं आज हम रिलीज़ करने के लिए। और ये इसको सांप को नाग कहते हैं और इंग्लिश में कोबरा कहते हैं, और साइंटिफिक नाम है नाजा। जब भी ये बाइट करता है तो फौरन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, और जब बाइट करता है तो 50 या 60 मिनट में, एक घंटे के अंदर पूरा हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए। और जब भी इसको छेड़छाड़ करते हैं तो तभी ये बाइट करता है। खास ये इनका भोजन है चूहा मेंढक ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैं ये सांप को रिस्क्यू किया था जब उधर मेंढक भी था, मेंढक को खाने के लिए आया था, और जैसे इधर परिवार रहते हैं तो इंसान रहता है तो इंसान के आसपास में ये अनाज रहता है, अनाज खाने के लिए चूहे आते हैं, और चूहे के खाने के लिए अक्सर सांप आते रहते हैं। ये बेजुबान है, इनको मानने का नहीं। जो भी एक्सपर्ट रहता है सांप पकड़ने का, और उसको बुलाकर आप सांप को रिस्क्यू कीजिए। और इसी के साथ हम रिलीज़ करेंगे इधर हमारे चाय के बंडे गाँव के जंगली एरिया है, इस जंगल एरिया में हम रिलीज़ करेंगे। अभी देखिए Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. और बताना भूल गया हूँ आपको, ये देखिए इसको थोड़ा सा चोट भी लगी हुई है दुम के ऊपर, पता नहीं था जब हमने इसको किया था, हमको पता नहीं ये दुम को कुछ चोट लगी हुई है, इसको किस वजह से चोट लगी हुई है मालूम नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं इसके नीचे जो नीचे का हिस्सा है इसको हम इसको दुम कहते हैं, थोड़ा सा उसको जैसे ही हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल का नाम है पिंटू वॉरियर्स, और जब भी आप हमको कमेंट में बता सकते हैं हम क्या करना है क्या नहीं करना है, और जब भी आप हमको कमेंट में बताएंगे लाइक करेंगे तो हमको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और लाइक करके शेयर कीजिए, ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।